जय हिंद। मैं आरके साहू, एक्स इंडियन नेवी, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी से बताना चाहूँगा कि अभी 12th का रिजल्ट निकल चुका है और बहुत सारे बच्चे कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जानना चाहोगे? और वो है इंडियन आर्मी का TES 52। ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपको क्या करना है, केवल आपको SSB बस देना है। एक SSB मतलब 5 दिन का इंटरव्यू है, वही बस देना है और आपको फॉर्म भरना है। और यदि आप इसको तैयारी करते हो तो जो खासतौर पे जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन है कि आप इंजीनियरिंग के साथ साथ अपनी देश सेवा के साथ वर्दी पहन के आप अपना वैल्यू कर सकते हो, वो भी इंडियन आर्मी में। तो आइए जानते हैं कि है क्या ये चीज़। आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडियन आर्मी का जो ये जो है परमानेंट कमीशन है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 52, और इसी को TES 52 के नाम से जाना जाता है। और इसका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है आपका जनवरी 2025 में। और ये जो कोर्स है ये ओनली फॉर मेल मतलब लड़कों के लिए है, और इसके जो पोस्ट की संख्या है वो है 90। अब ये है क्या, इसके लिए बता दूँ कि जो JEE का एग्ज़ाम देते हैं और जिनका एटलीस्ट 3 लाख के अंडर में यदि आकर रैंक आता है तो उनको ये फॉर्म भर सकते हैं, और ये डायरेक्टली उनका बाय मेल आएगा आपका कि आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा और आपको SSB पास करना है और मेडिकल पास करना है, फिर आपको इंडियन आर्मी की जो वर्दी है उसमें एज अ लेफ्टिनेंट का रैंक आपको मिल जाएगा। आगे आते हैं, इसके लिए छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी योग्यता के बारे में बात करेंगे, ओनली दो कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 एग्जाम और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम एग्रीड 60% मार्क इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में यदि 60% है ये वो लोग भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन यदि आपका JEE मेंस का एग्जाम दिए हो और आपका जो रैंक है 3 लाख के अंडर में यदि आता है आप आराम से इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का कोई चार्जेस नहीं है, इसकी जो वेबसाइट है इंडियन आर्मी वाले जो वेबसाइट है उसमें भर देंगे। अब इसके बारे में बता देता हूँ कि कौन कब फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन है 13 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है 13 जून 2024 में इसका लास्ट डेट है। इसमें जो एज मांगा गया है वो है 16.5 से लेकर 19.5 साल, मतलब 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, joinindianarmy.nic.in पे लॉगिन करना है, इसमें रजिस्टर्ड करना है, और आपको ये जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए ये आपको अपलोड करना है। इसमें मेन बताने वाली चीज़ ये है कि इसमें आपको क्या है, 10th का मार्कशीट है इसको आपको अपलोड करना है, वो भी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के लिए, प्लस आपका क्लास 12th यदि आप कर रहे हो तो उसका 12th का मार्कशीट ओरिजिनल आपको होना चाहिए। एक कोई भी ID प्रूफ है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए। या आप यदि JEE मेंस के थ्रू जाना चाहते हो तो JEE मेंस का जो 24 वाला अभी जो आपका रिजल्ट आया है उसको आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा, जो सीरियल रहेगा उसको अपलोड करना पड़ेगा। और इसकी जो है आपको ना कोई एडमिट कार्ड आएगा ना कहीं कुछ नहीं, आपका जो भी कुछ आएगा वो आपके ईमेल पे आएगा। आपको ईमेल है इसमें बार बार चेक करते रहना चाहिए, और चेक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा, उस डेट से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आपके पास आएगा SSB का डेट, आपके पास समय रहेगा, आप SSB की तैयारी कीजिए और आप वहाँ पे जाके अपना SSB प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद आप वर्दी पहन सकते हैं। टाइप ऑफ कमीशन ये है कैसे आपको बताना चाहता हूँ, अ सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ द कोर्स, मतलब आपको यहाँ पे जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो TCS एंट्री में तो आपको 4 साल का जो BTEC का डिग्री है वो इंडियन आर्मी आपको तैयार करेगा, एंड कैडेट के रूप में गारंटेड परमानेंट कमीशन इन द आर्मी इन द रैंक ऑफ एज अ लेफ्टिनेंट, मतलब आपको लेफ्टिनेंट बना के छोड़ेंगे, पहले सबसे पहले प्रमोशन आपका लेफ्टिनेंट ही रहेगा। देन ट्रेनिंग इसका जो रहेगा, टोटल ट्रेनिंग विल बी 4 ईयर, 4 साल का ट्रेनिंग रहेगा। डिटेल आर द अंडर, इसमें 3 फेस रहेगा, आपका फेस 1 रहेगा इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट CME पुणे या मऊ या सिकंदराबाद, यहाँ पे आपका फेस 1 ट्रेनिंग होगा 4 साल का। जो फेस 2 रहेगा, इनकेट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर IMA देहरादून डिजाइन बाय द PCTA, यहाँ पे आपका सेकंड ट्रेनिंग होगा। और RBTS जो कट ऑफ मार्क है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे चल रहा था जैसे कि कैसे मैं कट ऑफ बता रहा था, तो जो आर्मी
51 है जो अभी तो चल रहा है, तो वो 52 है, 51 का गया था 2.5 लाख का, जिनका रैंक आता सीआरएल जेई मेंस में उनको बुलाया गया था। आर्मी टीएस 50 में 2.5 लाख वाले को बुलाया गया था, आर्मी टीएस 49 को भी 3.5 लाख के अंडर में जिनका आया था उनको बुलाया गया था, और जो 48 जो हुआ था वो 4.5 लाख के अंडर में जिनका रैंक आया था जेई में उनको डायरेक्टली बुलाया गया था। तो सोच सकते हो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। इसकी जो तैयारी करना है तो यहाँ आपको फिजिकल, मेडिकल, एसएसबी, यहाँ तक की पूरी तैयारी अपने छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब इसको जो तैयारी करने के लिए आपको चाहिए क्या, डेडिकेशन के साथ आपको तैयार रहना है। याद रखिए इस वाले जो पोस्ट है, जो टीसीएच का पोस्ट है, ये केवल ओनली फॉर इंडियन आर्मी के लिए है, कि आपको कैसे इस वाले जो टीसी है इसमें आपको जाने के लिए। तो आप जो भी आपको डाउट लगता है, कभी भी ऐसा लगता है कि सर इसमें और कोई भी क्यूरी है, तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे नीचे लिखा हुआ है इस नंबर में आप कॉल करके डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग जो एनडीए के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो साथ साथ आप टीसीएस का जो एग्ज़ाम है इसको भी अप्लाई करें। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।